चलिए न्यूज ब्लास्ट से जुड़ी हुई तमाम अहम खबरों का जिक्र करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। आज मीडिया के सामने आए तमाम तरह की बातें उन्होंने की, असम के गुवाहाटी में हुंकार भरते नजर आए थे अमित शाह। दरअसल गुवाहाटी में कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा, कहा कि हम बड़े विश्वास के साथ 400 पार के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड साथ ही अन्य राज्यों में हमें बहुत बड़ी चुनावी सफलता मिल रही है। इसके साथ साथ दक्षिण भारत में भी बीजेपी को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। कुछ दिन से कांग्रेस ने हमारे 400 पार के लक्ष्य को ट्वीट करना शुरू कर दिया। कांग्रेस प्रचार कर रही है कि भाजपा 400 पार करने के बाद संविधान बदल देगी, आरक्षण को समाप्त कर देगी। ये दोनों चीजें निराधार और तथ्यहीन है। दरअसल उन्होंने स्पष्टीकरण यहां पर दिया है और खुद उन्होंने कहा, अमित शाह ने खुद कहा कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बीजेपी एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है, यानी कि आरक्षण खत्म नहीं कर रही है और हमेशा इसके संरक्षण के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। आरक्षण पर किसी राजनीतिक दल में अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस ने डाला है। सबसे पहले उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण दिया जिसके कारण ओबीसी का रिजर्वेशन कटा। उसके बाद कर्नाटक में उन्होंने रातों रात बिना किसी सर्वे, पिछड़ापन तय किए बगैर सारे मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में डालकर उनके लिए 4% का कोटा रिजर्व कर दिया। इससे भी पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन कटा। जब भी इन राज्यों में हमारे पास अधिकार आएगा, हम धर्म के आधार पर लाते गए आरक्षण को समाप्त कर एससी एसटी ओबीसी न्याय दिलाने का काम करेंगे, यानी एससी एसटी और ओबीसी को न्याय दिलाया जाएगा धर्म के आधार पर नहीं। ये उन्होंने बात यहां पर की कि जो धर्म के आधार पर लादा गया आरक्षण है उसे खत्म किया जाएगा, ना कि आरक्षण को खत्म किया जाएगा। हम आरक्षण के समर्थक हैं। ये बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुवाहाटी में बोलते हुए नजर आए और यहां पर यह भी कहा कि 400 प्लस का जो लक्ष्य है हम उसके बेहद नजदीक पहुंच गए हैं। तो लोकसभा चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश से एक बड़ा अपडेट। दरअसल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। वहीं जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि राहुल प्रियंका गांधी अब उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रियंका राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने से इनकार है। अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। अमेठी सीट पर फिरोज गांधी से लेकर संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लेकिन पिछली बार 2019 का सबको याद है चुनाव अमेठी से जीत हासिल नहीं कर सके थे राहुल गांधी, लेकिन उन्होंने केरल के वायनाड से जरूर अपनी जीत हासिल की थी और संसद तक पहुंचे भी थे। लेकिन सोनिया गांधी वहां से जीती है, परंपरागत सीट है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि सस्पेंस अभी भी लगातार बरकरार है, लेकिन जानकार सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। देश के सभी एयरपोर्ट हाई अलर्ट। वाराणसी समेत देश के 30 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। एलबीएस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निदेशक को धमकी भरा मेल मिला है। धमकी भरा मेल मिलने के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर। वाराणसी सहित सभी एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट कर दिया गया जारी। धमकी भरा मेल मिलने के बाद सभी एयरपोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सीआईएसएफ और पुलिस के साथ सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने आपात बैठक भी बुलाई। धमकी प्रथम दृष्टया किसी सिरफिरे की करतूत मानी जा रही है, लेकिन एहतियातन सुरक्षा के मद्देनजर और चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी सुरक्षा को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया। हालांकि प्रथम दृष्टया यही माना गया कि किसी सिरफिरे की करतूत होगी, इस तरह की खबरें पहले भी सामने आई, लेकिन किसी भी लिहाज से इसे इतना मामूली नहीं माना जा रहा। बेहद गंभीरता से पूरे मामले को लिया जा रहा है। आपात बैठक भी बुलाई गई है और सुरक्षा भी फिलहाल बढ़ा दी गई है। बात करेंगे राजस्थान के मुखिया बजलाल शर्मा की। दरअसल मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा का पश्चिम बंगाल झारखंड दौरा। कोलकाता में शक्ति केंद्र प्रमुखों को जीत का मंत्र उन्होंने दिया। पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, वहीं कोलकाता उत्तर में शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक को भी उन्होंने संबोधित किया। शक्ति केंद्र प्रमुखों को बूथ केंद्रित कार्य की योजना की बारीकियां बताई। प्रवासी राजस्थानी व्यवसायियों से भी मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा ने चर्चा की और आज झारखंड के रांची के धनबाद में ढुल्लू महतो के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। ढुल्लू महतो दरअसल बीजेपी के प्रत्याशी हैं, नामांकन वो भरेंगे और उनके समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रभुजन सम्मेलन व संवाद कार्यक्रम खास है, प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। खासी संख्या में यहाँ पर प्रवासी राजस्थानी है और वे खास कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, उनको संबोधित करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा।
इसके अलावा शाम को रांची के हरमू में मारवाड़ी धर्मशाला में प्रभुजन सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। और ये मारवाड़ी धर्मशाला में जो प्रभुजन सम्मेलन है ये भी अपने आप में बेहद अहम माना जा रहा है। लोकसभा रांची प्रत्याशी संजय सेठ के समर्थन में भी यहां राजस्थानी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कल रांची के हजारीबाग में भाजपा की जनसभा है, नामांकन रैली को भी संबोधित करेंगे। हजारीबाग से लोकसभा प्रत्याशी मनीष जायसवाल के समर्थन में भी जनसभा होनी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रांची से जयपुर के लिए कल रवाना हो जाएंगे, यानी कि कल मरुधर आएंगे, लेकिन इससे पहले लगातार तूफानी प्रचार प्रसार के दौरे पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है वो आप तक पहुंचा दे। जयपुर दिल्ली कोलकाता में इनकम टैक्स की छापेमारी, ज्वेलरी और हवाला कारोबार से जुड़े कारोबारियों पर लगातार छापेमारी जारी है। विस्तार से बताएं तो जेकेजे ज्वेलर समूह और जोशी समूह के ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई, जी हाँ, राजधानी जयपुर में 13, दिल्ली में 3, कोलकाता में 4 ठिकानों पर छापेमारी। शुरुआत में ही आयकर अधिकारियों को बड़ी सफलता भी मिली है। व्हाट्सएप चैट में हवाला लेन देन का विवरण हाथ लगा है। अधिकारियों के हाथ में तमाम तरह की अहम चीजों का सुराग। राजधानी जयपुर में एमआई रोड, चौक रोड, मानसरोवर, मालवे नगर से स्कीम आदि ठिकानों पर लगातार सुबह से कार्रवाई जारी। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा छापेमारी अभी भी कर रही है और कई तरह के सबूत मिलने की जानकारी है, यानी कि सफलता लगातार विभाग के हाथ में मिल रही है। एक और खास खबर आप तक पहुंचा दें, वाइस एडमिरल जीके त्रिपाठी नौसेना के नए प्रमुख। 40 साल तक कई अहम असाइनमेंट्स पर काम कर चुके हैं। पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर इन चीफ रह चुके हैं त्रिपाठी। 15 मई 1964 को जन्मे त्रिपाठी 1 जुलाई 1985 में नौसेना में शामिल हुए थे। संचार इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ त्रिपाठी संभाल चुके हैं INS विनाश की कमान। भारतीय नौसेना अकादमी इजमाला के कमांडर भी रह चुके हैं त्रिपाठी। सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के खड़कवासला के पूर्व छात्र रह चुके हैं। गोवा के नेवल वॉर कॉलेज और अमेरिका के नेवल वॉर कॉलेज में भी उन्होंने कोर्स किया है। अति विशिष्ट सेवा मेडल यानी कि AVSM और नौसेना मेडल से भी सम्मानित उन्हें किया जा चुका है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, टेंट डीलर्स एसोसिएशन अध्यक्ष रवि जिंदल के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। घर पर रहने वाली मासूम 14 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म का आरोप। बच्चों को संभालने के लिए घर पर ही रखा हुआ था मासूम बालिका को। बीती रात बालिका के परिजनों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज की है। मामले की गंभीरता को देखकर पुलिस ने रात को ही मेडिकल करवा दिया। विद्याधर नगर थाना प्रभारी राकेश ख्यालिया इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। इंतजार मेडिकल रिपोर्ट का, मामला दर्ज हो चुका है लेकिन बेहद गंभीर मसला, बेहद शर्मनाक मामला सामने आया। इंडियन एक्सप्रेस में पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का लेख, आम चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता का महत्व है। इस समय आदर्श आचार संहिता में सुधार की जरूरत है। इसमें आदर्श नेतृत्व से भी मदद मिल सकती है। इंडियन एक्सप्रेस में पूर्व चुनाव आयुक्त ने अपने लेख में आगे लिखा है कि आदर्श आचार संहिता का मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं। 1991 में TN सेशन ने लागू की थी सख्त आदर्श आचार संहिता और इसी तरह आदर्श आचार संहिता का हथियार के रूप में इस्तेमाल। अब परिस्थितियां अलग है, बाहुबल की जगह आ गया है धन बल, टेक्नोलॉजी से भी मदद। ऐसे में बदलनी चाहिए आचार संहिता। चुनाव की न्यूनतम प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए यह बेहद जरूरी है। तो अशोक लवासा का लेख और तमाम तरह की महत्वपूर्ण बातें उन्होंने आदर्श आचार संहिता को लेकर लिखी है। यमुना जल समझौते से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। समझौते के बाद अब धरातल पर काम कर रही है WRG की टीम। ताजेवाला हेडवर्क्स की स्थिति देखने के लिए टीम रवाना। WRG के अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय त्यागी की टीम ताजेवाला के लिए रवाना हो गई है। इससे पहले सीकर, चूरू, झुंझुनू में भी कई स्थानों पर जाकर इस टीम ने सर्वे किया है। राजस्थान में पाइप अलाइनमेंट और जलाशयों को भरने के विकल्प तलाशे गए हैं। चूरू के हासियावास में 235 MCM का रिजर्व वायर बनाया जाएगा। ताजेवाला से राजस्थान को मिलने वाला पानी शेखावाटी के लिए जीवनदायिनी साबित होगा और 4 महीने के अंदर तैयार होने वाली DPR में यह सर्वे रिपोर्ट शामिल होगी। वैसे देखा जाए तो लगातार जो सर्वे बन रहा है, सर्वे तैयार किया जा रहा है, सर्वे हो रहा है, टीमें लगातार गश्त कर रही है, तमाम तरह की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम कर रही है, वो सब
डीपीआर के लिए बेहद महत्वपूर्ण और ये डीपीआर जो है वो अपने आप में बेहद अहम साबित होगा इस समझौते के लिए।